वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पार्सला, दिस इज महेश नागर। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को फोकस में लेकर बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हमेशा जो है एक पीछे पड़े रहते हैं जॉब के पीछे, ठीक है। एंड दैट काइंड ऑफ जॉब दे वांट बिकॉज दे वांट्स टू अर्न विदाउट परफॉर्मिंग एनी टास्क, यानी कि जो ईजी जॉब हैंकर्स रहते हैं, मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू वन लेटेस्ट अपडेट दैट जो CBSE बोर्ड है, ठीक है, CBSE बोर्ड ने क्लास 12th का जो रिजल्ट है उसकी जो मार्किंग करना है तो वो किस तरह से करना है इसके ऊपर डिसीजन 16th और 17th जून में वो अपना डिसीजन दे देंगे। उसके बाद अदर बोर्ड जो है वो क्राइटेरिया या हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड कर देंगे किस तरह से 12th क्लास का रिजल्ट जो है प्रिपेयर होगा। तो फाइनली 2 से 3 दिन का आपको और वेट करना है जब आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका 12th का बोर्ड किस तरह से, बोर्ड का रिजल्ट किस तरह से बनेगा। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ ग्रेडिंग कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट आफ्टर ग्रेडिंग करने से क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलने में दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि शायद कुछ मोस्ट प्रोबेबली जो थिंग्स होगी वो सिमिलर होगी 10th क्लास की तरह, और कुछ लोगों का मानना है कि शायद जो स्कूल है उसके इंटरनल पर ज़्यादा बेस्ड होगा। तो लेट्स सी कि क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ हम पहले से अज्यूम नहीं कर लेते हैं। हम अज्यूम नहीं करते हैं ये चीज़ क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ना ही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किसी बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से, सो दैट वी कांट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली। वी आर जस्ट मेकिंग सम प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इसने कहा उसने कहा, इसके बेसिस पर हम कुछ प्रिडिक्शन से बना लेते हैं, हम अपनी ओपिनियन से बना लेते हैं। और इवन ये सिर्फ इस पॉइंट पर ही नहीं है, आज पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है और इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए आज लोग तिलमिला उठे हैं। तिलमिला इसलिए उठे हैं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स नहीं बल्कि लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो जा चुकी है, लोगों के हाथ में काम नहीं है, लोग परेशान है। इवन अगर मैं खुद की बात कर लूँ तो मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज़, आई एम जस्ट ईटिंग फूड एंड स्लीपिंग और व्हाटएवर, वॉचिंग टीवी, ये मेरे पास काम है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल कि मेरे जैसे मैं नहीं बल्कि मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे और आने वाले टाइम में जॉब्स जो है वो किस तरह से होंगी। एक सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप GDP का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक ऐसी कंट्री से लाइक जापान हो गया या अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया या फिर फ्रांस हो गया, तो वहाँ की GDP और हमारी GDP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम दो फैमिली की कंपैरिजन करते हैं, एक फैमिली जिसमें 50 मेंबर है और एक फैमिली जिसमें 5 मेंबर है। 50 फैमिली वाले मेंबर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम है और 5 मेंबर वाली फैमिली में भी 1 लाख की इनकम है। इसको इस तरह से समझिए कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों फैमिली की इनकम बराबर है बट फैसिलिटीज़ किसको अच्छी मिल सकती है, एजुकेशन किसको अच्छी मिल सकती है, किसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है, कौन सी फैमिली का, ये चीज़ आप जज कर सकते हो। तो सेम सिचुएशन हमारे पास भी है कि हम जो है वो ओवर पॉपुलेशन वाली कंट्री है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी GDP चाहे कितनी भी हो, हमारी इकोनॉमी कैसी भी हो, बट इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, बट उसके अकॉर्डिंग हम अर्न नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद भी हम अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने अंदर कौन सी स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं, मैंने कुछ स्टूडेंट से भी बात करी है, क्लासेस स्टार्ट करने की बात करी है कि नए साल की जो प्रिपरेशन है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड की हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, बट रिप्लाई के नाम पर मुझे 0 आया, ठीक है, यानी कि एक सिंगल रिप्लाई भी मुझे नहीं आ पाया। चाहे मैंने 50 लोगों से बोला हो या 100 से बोला हो, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन रिप्लाई के नाम पर 0 आया। 0 रिप्लाई आया कि क्लासेस स्टार्ट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इट मीन्स वॉट, अगर मैं एक छोटा सा अभी मैंने स्टार्ट किया है, मुझे ज़्यादा ना तो आप देख रहे हो, ना तो मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना ज़्यादा मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं, बट एज़ कंपैरिजन कि अगर मैं खुद से ही अपना कंपैरिजन करूं तो आप खुद ही देख रहे हो, अगर मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं उन पर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, पर डे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, 1000, 1200, 1500, लेकिन अब वो जो व्यूज़ है वो 48 आवर्स में केवल 100, 120 इस तरह से व्यूज़ आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ या क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब ने लखपति नहीं बना दिया, करोड़पति नहीं बना दिया, वो अलग बात है, अगर बनाएगी तो वो एक अलग चीज़ है कि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे,
बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट यू नो आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स सो दैट मैं आपको ब्लेम करूं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें कि ये स्टूडेंट कौन है जो एजुकेशन नहीं करना चाहते। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट आज भी अपने फर्दर स्टडी कर रहे हैं, आगे की स्टडी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछोगे तो उनने कब बुक उठाई थी, ये बुक जो है वो उनने कब उठाई थी, ये उनको भी नहीं पता है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो ये उनसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या क्रिएट अपने अंदर कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये आप सिचुएशन देख सकते, बढ़ती हुई जनसंख्या में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एक ही जॉब रहेगी लेकिन उसके सीकर्स कई सारे रहेंगे, यानी कि उस जॉब को हासिल करने वाले लोग कई सारे रहेंगे, तो आप सोच के देख लीजिए कि आपकी हालत क्या होने वाली है। सपोज करिए एक पर्टिकुलर विलेज में, अगर एक पर्टिकुलर टाउन की बात कर लें या फिर एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही आईएएस ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें तो एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। अब उस डिस्ट्रिक्ट में चाहे 5,000 की पॉपुलेशन हो, 5 लाख की हो या 5 करोड़ की पॉपुलेशन हो, ठीक है, वो जब तक वो डिस्ट्रिक्ट दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता या उसका डिवीज़न नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पर एक और एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए कि जब आप 5,000 थे उस डिस्ट्रिक्ट में, तब भी एक व्यक्ति को जॉब मिलती थी आईएएस की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम की, और 5 लाख हुए तब भी वहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जॉब मिलती है, या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तब भी वहाँ पर एक ही को वो पोस्ट मिल रही है। तो बाकी पॉपुलेशन वाले जो लोग रहते हैं वो भेड़ चाल क्यों चल रहे हैं, ये बात एक तो समझ से परे हैं। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि एक मेरा दोस्त है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, हमेशा 90+ लेके आता है, लेकिन आजकल वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मैं जो हूँ वो हमेशा 45% लेके आता हूँ, यानी कि उससे 50% लेके आता हूँ, लेकिन मैं फट से उसको कॉपी कर लूँगा कि यार वो तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, सिंपल सा ये थॉट आता है। तो भाई जब वो पढ़ रहा था तब तो तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूँ। तो वहाँ पर हम जो पॉजिटिव फॉलोअप रहता है ना वो नहीं करते, हम किसी के पदचिन्हों पर चलते हैं लेकिन वहाँ पर चलते हैं सिर्फ जहाँ पर वो नेगेटिव होता है, जहाँ वो गलतियाँ करता है तो हम फट से कह देते हैं कि यार उसने भी तो ये गलती करी, हमने कर दी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तो बॉस जब उसने अच्छा किया तब तो आपने ऐसा नहीं बोला कि यार उसने ये अच्छा किया है मैं भी करूँगा। ठीक है, जब वो बुरा करता है, गलत करता है, तो आप फट से बोल देते उसने गलत किया मैं भी करूँगा। सो दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी जो है वो हमें रुइन कर रही है, बर्बाद करे जा रही है। और जो स्टैंडर्ड हम देखें अगर 12th पास स्टूडेंट से, प्रैक्टिकली अगर कुछ क्वेश्चंस जो है वो करंट सिचुएशन से उठाकर पूछ लिया जाए, आई एम श्योर कि 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं 12th जो पास कर रहे हैं कि उनको उनके आंसर्स नहीं पता होंगे। ठीक है, आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख लें, आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ के देख लें। इवन आप कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट 10th पास करके आगे गए हैं, 11th में आए हैं, उनसे आप इवन भुवनेश्वर जो है वो कहाँ की कैपिटल है ये आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो बता दे तो। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स भुवनेश्वर का नाम नहीं जानते होंगे। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट जो है वो कई सारी अच्छी अच्छी जो सिटीज़ है या कैपिटल्स है आपके स्टेट की वो नहीं जानते होंगे। ठीक है, अगर आप उनसे शॉर्ट में बात करो NH5 तो बोले NH क्या होता है, ठीक है कुछ भी उसका मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे नहीं पता है। ठीक है, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ उनसे आप पूछोगे उनको वाकई में नहीं पता होगी, आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ किताबें दे दी गई है, बोर्ड एक सेट ऑफ क्वेश्चंस निकालता है, बस वो 50 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट से में रटना है, 90% लेकर आना है, मेरिट आ गई, भैया पास हो गए, मेरे बच्चे को 92 आए, मेरे को 95 आए, मेरे को 96 आए। अरे 96 वाले स्टूडेंट्स आप ये तो पूछ के बताइए कि जो मैथ्स की एक जो सीरीज़ होती है एपी जो होती है उसका एक क्वेश्चन उठा के पूछ लो आप उससे ठीक ठाक तरीके से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उससे उठा के पूछ लो अंदर से। ठीक है, नहीं बता पाएगा बॉस, जो रटा है उसने सिर्फ वही बता पाएगा, और वो भी अगर उसको सीक्वेंस से पूछा जाए तो। अगर आपने इधर उधर थोड़ा सा घुमा के क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि वो उसको बता पाएगा। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ईजी है आप भी जानते हैं, लेकिन एक 10th पास स्टूडेंट जो 70% लेके आया है, मैं
हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 70% लेकर आया उससे अगर आप पूछ लोगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वो डेफिनेशन देगा, वो बोलेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दे चल, ऑक्सीजन रिलीज क्यों हो रही है और दिन में ही क्यों होती है ये बता दे चल, ठीक है, रात में क्यों नहीं होती है ये बता दे, और अगर रात में करना चाहे तो कैसे होगी ये बता दे। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो वो घूम जाएगा, क्योंकि वो चाहे आप उससे गलत क्वेश्चन कर रहे हो, जेन्युइन क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, गलत क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं बोल पाएगा आपको कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि टीचर्स भी सिर्फ यही चाहते हैं कि वो सिर्फ 90% लेके आए, कैसे लेके आए उसका ज्ञान बढ़े या नहीं बढ़े, उसके भेजे में कुछ आए या नहीं आए, बस पास होना है, 90% लेके आना है, सो दैट हम बोल सके कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, हम बढ़िया से पैम्पलेट्स जो है वो प्रिंट करें, शहर के हर दीवार पर चिपका दे, देखो हमारा रिजल्ट, देखो हमारा रिजल्ट, और लास्ट में हम उनके हैवी फीस के नाम पर डिमांड कर सके कि इतनी फीस उतनी फीस हम ले सके, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई एक ऐसा टीचर मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे बता दीजिए कि आज की डेट में कि जो रियली में ये चाहता है कि वो जीनियस बनाए, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर आप करने जाते हो, UPSC IPS वगैरह जो भी आप प्रिपरेशन करने जाते हो, आप जाकर देखिए एक हॉल में कितने लोग बैठे हैं, एक हॉल में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, नो क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्रॉस क्वेश्चन का टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। 400 लोग अगर बैठे हैं तो कैसे क्रॉस क्वेश्चन कर लोगे आप बताओ मेरे को, नहीं कर पाओगे, सिर्फ भेड़ चाल है भाई, तू गिरा कुएं में मैं भी गिरूंगा, और तू मरेगा मैं भी मरूंगा, तू जिएगा मैं भी जीऊंगा, तू तेरे चप्पल घिस जाएंगे जॉब ढूंढ ढूंढ के मेरे भी घिस जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर करूंगा मैं वही जो तू करते आया है और जो तू कर रहा है, तेरे पीछे मैं हूँ, मेरा दिमाग है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं तो रट्टू तोता हूँ और रट रट के मैं पास हुआ हूँ, ज़्यादा मेरे पास स्किल्स है नहीं, कुछ नहीं है, बस मेरे पास मार्कशीट है जिसमें कि 90% है, इसके अलावा मेरे अंदर क्या है इसका मैं प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो आप क्या करना चाहते हैं ये चीज़ आप डिसाइड करिए। कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो भेड़ चाल मत चलिए, वो BSc कर रहा है मैं भी BSc, वो BA कर रहा है मैं भी BA, वो BCom कर रहा है मैं भी BCom, वो BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा है मैं भी BCom BSc कंप्यूटर साइंस करूँगा, IT करूँगा, नहीं ऐसा नहीं, आप अपना सेलेक्ट करिए आप क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, दुनिया भाड़ में जाए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा गाना है वो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो गाना जो है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं वो आपके अच्छे पे तालियां बजाने आ जाएंगे और आपके बुरे पे आपको डांटने आ जाएंगे, आपको कोसने आ जाएंगे, परंतु सफल या असफल दुख तकलीफ़ें सिर्फ आपको मिलना है, वो आपके साथ वो शेयर नहीं करेंगे। सो इट्स अ फुली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन, और आज सफलता की परिभाषा क्या है इसको भी आप ढूंढिए, आज की डेट में आज की स्थिति में सफलता की परिभाषा क्या है। सफलता की परिभाषा ये नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, आपका सेटिस्फेक्शन सफलता नहीं है, बल्कि आपके पास धन है दौलत है, आप अपनी एजुकेशन पर आप अपनी हेल्थ पर आप अपनी फैमिली के खर्चों पर इनफ मनी स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास एक कार हो, आपके पास बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, बढ़िया सा TV हो, बढ़िया सा बेडरूम हो, दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि एक सक्सेसफुल पर्सन की ये डेफिनेशन है और यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती है तभी दुनिया आपको सक्सेसफुल मानती है। तो इन चीज़ों को अगर आप अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए अपने अंदर उस तरह की क्वालिटी जनरेट करिए सो दैट यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। सिर्फ मनी ही नहीं बल्कि रेस्पेक्ट भी, पैसा तो स्मगलिंग करके भी कमाया जा सकता है, ठीक है, दो नंबर के धंधे करके कमाया जा सकता है, बट वैसे नहीं, ईमानदारी से और फुल प्रूफ जो इथिकल वेज है उन इथिकल वेज से आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं उसके ऊपर फोकस करिए, उसके ऊपर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी बुक आपके सिलेबस की आपको ये नहीं बताती है कि पैसा बनता कैसे है, पैसे कमाए कैसे जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक रास्ता बताएगी, वो रास्ता इनडायरेक्टली है, समझना आपको पड़ेगा कि किस तरह से आप वो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में जब आओगे प्रैक्टिकल में ही चीज़ें सीखोगे। मैं तो ये कहता हूँ क्यों पढ़ रहे हो, 12th आपने कर लिया ना, सिर्फ पैसा ही कमाना है, कई सारे तरीके हैं, बिजनेस खोल के बैठ जाओ, ये करके बैठ जाओ, ठीक है, नौकरी जरूरी है क्या, नौकरी ही एक सोर्स है क्या पैसे कमाने का, वो तो पॉसिबल है ही नहीं बॉस आज की डेट में, तो कई सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पसंद आता है कि ये मैं ये कर लूँ और इसमें स्किलफुली, अगर आप धीरूभाई अंबानी की बात करें तो कि एक इलिटरेट पर्सन की तरह थे, जस्ट 10th पास, सचिन तेंदुलकर की बात कर ले वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिल गेट्स की बात कर ले वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हेनरी फोर्ड जिनने फोर्ड मोटर्स जो दुनिया में चल रही है आज टॉप की मोटर कंपनी है उनके मालिक हेनरी फोर्ड थे, उनकी बात कर लें आप, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जस्ट मैट्रिक्स थे,
तो आप पता करिए ना, जो टॉप लीडर्स है ऐसे टॉप लीडर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी मैं बता दूं कि कुछ 12th पास जो है वो झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं। आप दोनों चीज़ को देख सकते हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडेड है तो उस व्यक्ति को देखोगे जो झाड़ू पोछा लगा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडेड है तो आप हेनरी फोर्ड को देखोगे, बिल गेट्स को देखोगे, ठीक है, आप अपने धीरू भाई अंबानी को देखोगे, ठीक है, इनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे, इनके जीवन से आप इनकी लाइफ से कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें लोगे। तो डिपेंड आप पे करता है आप क्या लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, सक्सेसफुल किस तरह से होना चाहते हो। आप 2 नंबर का धंधा करके, किसी को डरा कर, किसी को मार कर, किसी को लूट कर, या वाकई में जेन्युइन चीज़ें करके जिससे कि कम से कम 2 लोगों को और आपकी हेल्प मिल जाए और वो भी आपकी वजह से खुश हो जाए, ठीक है, उनका भी घर और उनके भी काम काज चल जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको अच्छी दुआएं भी मिलती है और आपको खुशी भी मिलती है। डिपेंड आप पे करता है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, क्या टारगेट है, और अगर आपको कुछ चाहिए जैसे कि आपको कुछ जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए और आप हमें बताइए, तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी थिंग। जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं पास कर दूंगा, लेकिन जो मेरे पास नहीं है मैं सीधे बॉस मना कर दूंगा, क्योंकि मैं इस तरह का ज्ञानी नहीं हूँ कि आपको कुछ भी बताता रहूँ, मैं कुछ भी अंधाधुंध मैं आपको चीज़ें बताता रहूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जेन्युइन है वही मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, जो नहीं बताओगी मैं मना कर दूंगा। मैं आपको सोर्स बता सकता हूँ कि यहाँ से वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके 12th हो चुकी है तो आप क्या आगे करना चाहते हैं, अगर 10th हो चुकी है तो कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो, दिक्कत आ रही है उसके लिए आप कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही मैं कर सकता हूँ एज ए टीचर। आगे आपको करना है, डिसीजन आपका रहेगा, सफलता असफलता आपकी रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा, बाकी सब लोग तो सपोर्ट आपको कर सकते हैं, ठीक है, आपकी टांग खींच सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।